नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन झा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से वीआईपी का अयोध्या दौरा जारी है। आज शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई। उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। उन्होंने भी हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दोनों नेताओं ने पुरोहित के हाथों प्रसाद लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का काफिला रामलला की तरफ निकल गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रामलला के दर पर हाजिरी लगाएंगे। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शाहनवाजपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शाहनवाजपुर में गुजरात भवन के लिए जमीन आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आवंटित गुजरात भवन की जमीन का निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी हो सकती है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए थे। अगले साल होने जा रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विश्वव्यापी स्वरूप देने में लगा हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भारत से प्रसिद्ध साधु संतों के अलावा अलग अलग देशों से विशिष्ट लोगों को भी भेजा जा रहा है। राम द्वारे तुम रखवारे होत नाज्ञा बिन पैसारे। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में गुजरात के सीएम दर्शन और पूजन हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया, उसके बाद हमने उनको अंगवस्त्र और मुकुट पहनाकर और गदा भेंट की। इसलिए क्योंकि हनुमान जी की प्रतीक निशान और चिन्ह गदा भेंट इसलिए किया क्योंकि दुष्ट आत्मा व्यक्ति शांत रहे, इसके नाते घटा गदा भेंट की और उनसे निवेदन किया कि 2024 में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो उसमें जरूर आइए और पूरे गुजरात वासियों के लिए मंगल कामना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।